Hello everyone, welcome to Abhimanu IAS. And in the series of question of the day, today I will going to discuss a question based on number system. नंबर सिस्टम के अंदर से हर बार एग्जाम के अंदर 10 to 15 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं. दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सभी ने नंबर सिस्टम डिटेल में कर लेना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए. एक तरह से सारा नंबर्स का खेल है, उसी को ही सीखना है आपने. ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है. यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सीसैट 2021 एंड क्वेश्चन इज व्हाट 3 raised to power 2019 is divided by 10, then what will be the remainder? रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा. तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर जो क्वेश्चन है, रिमाइंडर के सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेने. लाइक रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है सभी ने. ओके, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें वो डिवाइड कर रहा है किससे? 10 से. जब भी हम बात करें कि 10 से डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में? एक तरह से आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है. यू शुड नो कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है और किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपने लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है. बिकॉज डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 10, दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं. ओके, तो अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3/10 की, तो अगर 3 raised to power 1 मैं करूँ और उसको 10 से डिवाइड करूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? दिस विल बी 3. 3 raised to power 2/10, 9. That means कि remainder will be 9. 3 raised to power 3, 3×3=27. Remainder will be equal to what? Remainder रहेगा 7. 3 raised to power 4 कितना रहेगा आपके पास में? 81. रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 1. 3 raised to power 5, 243. रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3. अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये दोबारा से रिपीट हो गया. दैट मीन्स कि साइक्लिसिटी आपकी यहाँ से शुरू हो गई. मीन्स क्या हो रहा है आपके पास? 3 raised to power 4 तक अगर हम देखते हैं तो रिमाइंडर डिफरेंट है, बट आफ्टर दैट दिस इज रिपीटिंग. ओके, तो जो पावर है उसको हमने क्या करना है? 3 raised to power 4 के अंदर, मीन्स जो 4 है उसके मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेना. मीन्स व्हाट कि जो ये वाला मेरा नंबर है, आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस. 3 raised to power 2016 इंटू 3 raised to power 2016, तो यहाँ तक आ गया. ठीक है, यहाँ पे 19, 3 raised to power 3. अगर मैं इसको ऐसे राइट डाउन कर लूँ देन इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं. अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के लिए रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 raised to power 4 का रिमाइंडर क्या है? 1. ओके, क्या रहेगा मेरे पास में? 1. अगर मैं देखती 3 raised to power 9, 9 के लिए मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 7. ओवरऑल रिमाइंडर मेरे पास में क्या बचेगा? 7. तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 7. तो आंसर क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन सी, 7 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? इसमें कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को कोई भी इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, देयर मे बी द यूनिट, यू विल चेक जस्ट द डिजिट ओवर हेयर. अब यहीं पे अगर मान लो मेरे पास में क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 543 raised to power 2019, तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता? नो, जस्ट फोकस ऑन द यूनिट डिजिट कि भाई मेरे पास यूनिट डिजिट पे क्या है. यहाँ पे नंबर कितना बड़ा, इट डजेंट मैटर. यहाँ पे कुछ भी आपके पास हो सकता है. मान लो मेरे पास में 2543 raised to power कुछ है, इट डजेंट मैटर. जस्ट यू विल चेक कि यहाँ पे जो डिजिट है मेरे पास यूनिट पे, उसकी साइक्लिसिटी मीन्स कि वो रिपीटिशन जो है यूनिट डिजिट की, वो कितनी पावर के बाद में हो रही है. ओके, एंड हेयर यू कैन सी कि जो रिपीटिशन है दैट इज आफ्टर द पावर 4, फोर्थ पावर के बाद में रिपीटिशन यहाँ पे हो रही है. सो वी विल डिवाइड द पावर इन द फोर्थ मल्टीपल. इसका जो फोर्थ मल्टीपल होगा उससे लेंगे हम. तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 के साथ में 2016, 4 से पूरे का पूरा डिविजिबल है, तो हमने ये ले लिया और जो रिमेनिंग है उसको अलग से पावर में रख लिया. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा आपका? जो भी फोर्थ की पावर पे हमारे पास आया, दिस इज 1. और इसके लिए क्या आएगा आपके पास? 7. सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कितना आ गया? दिस विल बी 7. ओके, क्लियर? कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट? अगर कुछ समझ आया तो सभी शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक करेंगे. ओके अगर कुछ डाउट है माइनर सा भी इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके अब बात करते हैं कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम आप बार बार कहते हो कि नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लो नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लो, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि मैं सिर्फ नंबर सिस्टम मुझे मिल जाए कहीं से? हाँ जी, तो उसके लिए अभिमन्यु IAS आप लोगों के लिए इस तरह का एक ऑप्शन लेके आया कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो नंबर सिस्टम चाहिए, अब क्या करें, कहाँ जाएं? माइक्रो कोर्सेज पे जाओ भाई, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? माइक्रो कोर्सेज आर अवेलेबल देयर। ओके सेम वे आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, सिलोजियम के 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, इजी टॉपिक है तो मुझे सिलोजियम चाहिए, फिर क्या करूं? अगेन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप माइक्रो कोर्सेज में जाइएगा। ओके हमारी साइट है abhipedia.abhimanyu.com। ओके आप साइट को एक्सप्लोर करोगे, वहां से आपको सारा डाटा मिलेगा गो इन द CSAT पार्ट। ओके यस, मॉड्यूल कोर्सेज क्या हैं? अब मॉड्यूल कोर्सेज ये हैं कि अगर आपके पास में आपकी रिक्वायरमेंट, आप कहते हो कि मेरा मैथ्स कमजोर है, मुझे तो पूरा कंप्लीट मैथ्स वाला सेक्शन चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दैट केस आपको ने क्वांट लेना है, आप क्वांट पे चले जाओ। आपको लॉजिकल रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग ले लीजिए ओनली। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन चाहिए, आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन ले सकते हो। And there will be some aspirants who are looking for the complete course also. जिसको complete course चाहिए उसके लिए complete course available है, जिसके अंदर आपका पूरा complete course start किया गया बिल्कुल basic से and we go for the complete. ओके तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से अवेल कर सकते हो। ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट abhipedia.abhimanyu.com। ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।